नमस्कार, मैं सरिता जांगड़ा जींद प्लस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं सफीदों के स्काईलार्क। क्यों आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे है? प्रोग्राम जो रखा गया था भारतीय मानक ब्यूरो के 73वें गौरवशाली वर्षों का समारोह यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे कुछ गेस्ट, चीफ गेस्ट यहाँ पे आए थे। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दिया, ग्राहकों को जागरूक किया है। BIS जो ऐप है, ये ऐप क्या है कि मतलब जो चीजें आप खरीद रहे हो वो ओरिजिनल है या फेक है, वो उससे इसके साथ इस ऐप की सहायता से आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आज फाउंडेशन डे है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रचार कर पाएँ, लोगों को, ग्राहकों को जागरूक कर पाएँ कि BIS के बारे में क्या बेनिफिशियल है, कि क्या क्या क्वालिटी के बारे में उनको पता होना चाहिए, तो वो सभी हमने BIS एयर केयर ऐप के माध्यम से सबके पास अवेलेबल किया गया है। आपने एक ऐप का जिक्र किया जी, उसके बारे में बताएं। BIS केयर ऐप है, उसके अंदर आप बहुत से हमने सबसे पहले जितने भी ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हों या जो भी है, तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। ग्राहक को ये पता ही नहीं होता कंप्लेंट कहाँ कर रहे हैं, उस यूनिक आईडी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट को डाल डाल के देखते हैं कि वो वेरीफाई ओके है या डुप्लीकेट है, वो एप्लीकेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है। कितने उपभोक्ता हैं टोटल इसके आपके? उपभोक्ता तो अभी रनिंग शॉर्ट्स में ही है, जैसे एप्लीकेशन रनिंग में है तो मे बी इंक्रीजेज हैं एवरी डे, कुछ ना कुछ बढ़ ही रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं है अभी, बट डे टू डे जैसे कंप्लेशन आती है तो बढ़ ही रहा है, इसीलिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हमने GP प्रोग्राम भी किया है, जैसे ग्राम पंचायत पे सरपंच को हर गांव से एक मेंबर को हमने अवेयर भी किया। दुलसा, आज जो संगोष्ठी हुई है उसके बारे में क्या कुछ बताना? ऐसा है कि हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस आए क्वालिटी क्या होती है, BIS स्टैंडर्ड क्या है, तो इन वजह से हमारे पास आए, पता आया भाई हम ये करना चाहते हैं। वेलकम यार, हम तो बहुत इच्छुक हैं कि लोगों को पता लगे कि लोगों को क्या कैसे भला हो सकता है। अवेयरनेस, एक हम चाहते हैं अवेयरनेस हो हर चीज के बारे में, लोगों को जागरूक हो, जाने अपनी हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या चीज लेनी चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं, तो वो इसलिए हमने आज का ये गोष्ठी किया। और चाहते हैं कि लोगों में, और आगे भी हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम ये गोष्ठी करते रहें, और लोगों को जितने अवेयरनेस हम अपने तरीके से समाज में, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को एक जागरूकता किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसकी क्यों आवश्यकता बढ़ रही है, क्यों इस तरह की संगोष्ठी जरूरी है? इसलिए जी, हमारा समाज में अभी पहचान नहीं है, जानते नहीं है लोग। जैसे सोना ही खरीदते हैं, मान लो सोनार के पास जाते हैं, सोना खरीद के लिए आते हैं, कोई होल मार्क का नहीं, किसी का पता नहीं, इतनी महंगी चीज है। तो हम चाहते हैं भाई, क्यों नहीं पता लगे लोगों को, क्यों नहीं वो जानेंगे मैं क्या खरीद रहा हूँ, मेरी इसकी चीज क्वालिटी क्या है। कल मैं वो अगर होल मार्क है तो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका ऐसे मिल नहीं मिलता वो, और वो एकदम रिजेक्ट, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है अगर वो कभी भी गलती मिल गई तो उसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता लगे ना इस चीज़ का। और ये एक सोने की बात नहीं, एक एग्जांपल है, हर चीज़ है, सब चीज़ें हैं जो BIS में आती हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो सर्टिफाई करते हैं, वो मानक दर्शाते हैं, ये मानक होने चाहिए आपके, ये होने, तब वो सर्टिफाई करते हैं, बार बार टेस्ट भी करते हैं साल में। मेरे ख्याल में हमारा जो फीड, जैसे फीड है मेरा, फीड भी 3-4 बार टेस्ट होता है, हर 3 महीने बाद लेबोरेटरी टेस्ट होता है, सैंपल लेते हैं, कहीं से भी सैंपल उठा के टेस्ट कर सकते हैं किसी लैब में, तो उससे क्वालिटी का एक एश्योरेंस आता है ना, कस्टमर को भी आता है और एक मिलता भी उसको रियल में क्वालिटी। व्यापारी क्यों भाग रहे हैं जिस, जैसे आप भी, आप स्काईलार्क कितना बड़ा वो चलाते हो, तो जो अन्य व्यापारी हैं क्यों इस प्रकार के काम करते हैं? वो तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, और क्या है, पैसा ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, दूसरे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो वही एक तरीका है। एक ईमानदारी से पैसा कमाना और एक बेईमानी से पैसा कमाने में तो बहुत फर्क है, और बेईमानी पैसा कमाने में वो प्राइस में वो कम कर सकते हैं उसकी, घटिया माल दे के, और वो अच्छे माल के बराबर बेच के उसको वही होता है, और क्यों तो भाग रहे हैं, जो अपना पैसा कमाने के लिए लोग सब गलत काम करते हैं। अरे हम लोग नहीं चाहते कि लोगों, अवेयरनेस का मतलब यही है कि लोगों उस बात तक पहुंचे, जड़ तक पहुंचे, वो कहाँ तक रियल में क्या है, कैसे गवर्नमेंट की, जो एक गवर्नमेंट की संस्था है और वो सर्टिफाई करती है और टेस्ट भी करती है जगह जगह टाइम टू टाइम, तो आपको जो भी आदमी काम करेगा उसके अंदर, उस मानक में काम करेगा तो वो करेगा काम, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तुरंत, वो बताते हैं। आपके मार्के के बारे में कुछ जानकारी? हमारा जो मार्का कौन सा, स्काईलार्क पशुधन का, हमने मार्का मेरे ख्याल में पिछले साल कराया होगा, शायद मेरे ख्याल में पिछले साल कराया, एक साल होगा हमें, लगभग एक साल होगा। तो टाइम टू टाइम हम लोग पूरा स्टैंडर्ड रखते हैं, लैब एक जरूरी है उसके लिए लगानी, जब भी हम कोई भी मार्कर लेंगे पहली कंडीशन है लैब उसकी होनी चाहिए, और उसमें ये है कि टॉक्सिन की, एक माइकोटॉक्सिन होता है हर एक ग्रेन में होता है, वो
जैसे कोई फंगस लगती है तो उसमें माइकोटॉक्सिन पैदा होते हैं, वो माइकोटॉक्सिन का है, न्यूट्रिशन वैल्यू का है, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए और कितना उसमें तेल होना चाहिए, सब उसके मानक हैं उसके पूरे पूरे। वो मानक पे आपको खरा उतरना पड़ेगा और वो खरा उतरेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी उसकी हर एक, और जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो नॉट ओनली एनिमल की, वो आपके आपकी भी, आपके लोगों की भी, वो अल्टीमेटली दूध का 80% तो ट्रांसमिट हो जाता है डायरेक्ट, कोई मान लो उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन है डायरेक्ट दूध में आ जाएगी आपकी, एम के नाम से आती है उसके अंदर, एम टेक के टास्क होती है, एम टॉक्सिन होती है वो एफ्लाटॉक्सिन B1 होती है जो एम में ट्रांसफर होकर दूध में दिखती है और बहुत हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक भी है जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो वो आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नहीं ये भी एक मतलब एक ऐसा पॉइजन है जो आपको मार रहा है नीचे नीचे, और कैंसर इतना बढ़ रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, सब बात उन बातों से होती हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि भैया हम लोग अपना, हमने सर्टिफाई कराया, क्यों कराया कि हम तो चाहते हैं भी क्वालिटी हो हमारी। आज हमारा मानक वीरो 70 साल का हो गया जी, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, पहले तो बहुत छोटा था ये, बहुत ही कम थी इसकी पहचान, और धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज़्यादा आगे बढ़े, और ताकि लोग हम और क्वालिटी आए इसकी वजह से, और ये बहुत ज़्यादा फ्लोरअप करें, हम चाहते हैं कि लोगों को भी अवेयरनेस आए, लोग भी समझें इसके बारे में, और हम लोग कंज्यूमर भी समझें इसके बारे में, और जो बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इसको समझें भाई इसकी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, नहीं आपके प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा आपको अगर।